हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे विंडोज़ का टेम फोल्डर को लेके। टेम फोल्डर एक ऐसा डायरेक्टरी होता है जिसके अंदर टेम फाइल्स जमा होता है। हम लोग जब कंप्यूटर को रेगुलर यूज़ करते हैं ना, उस प्रोसेस के दौरान बहुत सारा टेम फाइल्स जमा होता है। मानो कि हम लोग अगर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, नेट पर जाके कुछ साइट ओपन कर लिया, तो उसके वजह से टेम फाइल्स जमा होता है टेम फोल्डर में। तो कभी कभी टेम फाइल्स इतना क्रिएट हो जाता है इसके अंदर जो टेम फोल्डर का साइज़ भी बढ़ जाता है, तो उसके वजह से कंप्यूटर का परफॉर्मेंस में भी असर पड़ता है। तो हम लोग को बीच बीच में ना उस टेम फोल्डर को क्लियर करना चाहिए। तो कभी कभी हम लोग भूल भी जाते हैं टेम फोल्डर को क्लियर करने के लिए। समटाइम्स वी डोंट इवन नो हाउ टू क्लीन द टेम फोल्डर। ठीक है, तो आज का वीडियो में हम लोग एक प्रोसेस बताएंगे। उस प्रोसेस के दौरान आपको रेगुलरली और मैनुअली आपको जाके टेम फोल्डर को क्लीन करना नहीं पड़ेगा। सो ये प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब भी आपका कंप्यूटर आप बूट करेंगे ना, तो उस टाइम पे आपका जो क्लीन प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा। सो ये प्रोसेस बहुत सिंपल है। सो आप मेक श्योर करिए इस वीडियो को एंड तक देखिए, स्किप मत करना। ठीक है, ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट ए बेस फाइल दैट विल परफॉर्म द क्लीनिंग प्रोसेस फॉर अस। ओके, सो डोंट वरी। सो फॉर दैट आपको यहाँ पे सर्च में जाके लिखना पड़ेगा नोटपैड। सो नोटपैड आ जाएगा यहाँ पे, नोटपैड को क्लिक करिए सो दैट नोटपैड विल ओपन। सो यहाँ पे आपको कुछ स्क्रिप्ट को लिखना पड़ेगा। ओके, हियर यू हैव टू टाइप इको ऑफ। ओके, सो हियर एफ स्टैंड्स फॉर फोर्स, फोर्सफुली प्रोसेस को डिलीट करने के लिए यूज होता है। और एस स्टैंड्स फॉर सब फोल्डर, इट एंश्योर दैट ऑल फाइल्स इंक्लूडिंग दोज इन सब फोल्डर्स आर डिलीटेड। एंड क्यू स्टैंड्स फॉर क्वाइट, इट अलाउज द कमांड्स टू रन साइलेंटली विदाउट एनी यूजर इंटरेक्शन। सो हमने एक स्क्रिप्ट यहाँ पे लिख दिया है। सो द स्क्रिप्ट विल फोर्सफुली डिलीटेड ऑल द फाइल्स एंड सब फोल्डर्स विद इन द टेम फोल्डर विदाउट डिस्प्लेइंग एनी प्रॉम्प्ट्स और मैसेजेस। ठीक है, तो सिमिलरली आपको आप फिर से और एक कमांड को लिखना पड़ेगा, एंटर दीजिए, उसके बाद लिखिए आरडी रिमूव डायरेक्टरी। इट इज यूज्ड टू रिमूव द एम्प्टी टेम फोल्डर इटसेल्फ। सो हम लोग का जो सिंपल सा एक स्क्रिप्ट है वो रेडी हो चुका है। तो आप जाके सिंपली इसको सेव करना है। तो उसके लिए आपको फाइल में जाना है और जाके सेव एज को क्लिक करना है। सो डेस्कटॉप में हम इसको सेव करते हैं। सो मेक श्योर करिए आप कोई भी नाम दे सकते हो फाइल का। सो जो उसका फाइल नेम है उसका डॉट बी ए टी होना चाहिए। अब कोई भी फाइल नेम आप दे सकते हो। तो हम लोग इसको फाइल को नाम देंगे टेम क्लीनर। डॉट बी ए टी, ओके। एंड जो सेव एज टाइप है ना, उसको जाके आप ऑल फाइल्स में क्लिक कर देना। Then you have to select the desktop and click on save. इसको जाके आप अभी क्लोज कर देना। आप देखना हम लोग का जो स्क्रिप्ट है वो रेडी हो चुका है यहाँ पे। सो ग्रेट, वी हैव क्रिएटेड द बेस्ट फाइल दैट विल क्लीन द टेम फोल्डर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, जहाँ पे वी हैव टू कॉन्फिगर आवर कंप्यूटर टू रन द फाइल ड्यूरिंग बूट। ठीक है, तो उसको बूट प्रोसेस में डालना होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको कंप्यूटर में जाके कीबोर्ड में विंडोज प्लस आर को दबाना है सो दैट रन कमांड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जाके आपको लिखना पड़ेगा शेल कॉलन स्टार्टअप। ठीक है, और उसके बाद आप क्लिक ऑन ओके। अब हम लोग का स्टार्टअप का जो फोल्डर है वो ओपन हो चुका है। आप क्या करेंगे, उसको मिनिमाइज करिए और हमने जो स्क्रिप्ट रेडी किया है उसको जस्ट यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करना है और जाके जो स्टार्टअप का जो फोल्डर है उसको फोल्डर में आके आप इसको पेस्ट कर दीजिएगा। इट विल ऑटोमेटिकली क्लीन द टेम फोल्डर ड्यूरिंग बूट। सो आज के बाद एवरी टाइम यू स्टार्ट योर कंप्यूटर दिस बैच फाइल विल रन एंड रिमूव ऑल अननेसेसरी फाइल्स कीपिंग योर सिस्टम क्लीन एंड रनिंग स्मूथली। ठीक है, एक चीज़ आपको दिखाना भूल गया, अभी तक इस स्क्रिप्ट को रन नहीं किया है। तो उसके पहले हम लोग देखते हैं मेरा कंप्यूटर में कितना टेम फाइल्स आज तक जमा हुआ है। तो देखिए ये जी हम लोग का एक टेम फोल्डर है, इसके अंदर बहुत सारा टेम फाइल्स है। इसको बंद करते हैं और
हमारा जो स्क्रिप्ट है तो स्क्रिप्ट को मैंने स्टार्टअप फोल्डर के अंदर डाल दिया है। तब सिंपली जाके क्या करेंगे, मशीन को अभी रिस्टार्ट करेंगे। सो बहुत सारा टेम फाइल मेरा कंप्यूटर में था, ये देखिए बूटिंग के बाद एक ऑटोमेटिक डिलीट हो रहा है। ठीक है, सो मेरा मशीन बूट हो चुका है। नाउ हम लोग चेक करते हैं जो टेम फोल्डर में जितना भी टेम फाइल्स था वो डिलीट हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो मेरा टेम फोल्डर मैंने ओपन किया, देखिए मेरा अंदर बहुत सारा टेम फाइल्स था, मैंने बहुत दिनों से इसको क्लीन नहीं किया था। अभी देखिए ये प्रोसेस के बाद कुछ ही सिर्फ टेम फाइल्स है, बाकी जितना भी टेम फाइल्स था सब डिलीट हो चुका है। सो इन दिस वीडियो यू हैव लर्न हाउ टू ऑटोमेटिकली क्लीन द विंडोज टेम फोल्डर ड्यूरिंग बूट प्रोसेस। ओके, सो इट्स अ सिंपल येट इफेक्टिव वे टू मेंटेन योर सिस्टम परफॉर्मेंस। सो आप देखिए आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो चुका है उसके बाद। सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर टेक्निकल टिप्स एंड ट्रिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।